हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नेचुरेंस ब्यूटी वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप सब? आज अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रायलॉन एयरब्रश मेकअप लुक। काफ़ी डिटेल में होगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी अच्छी लगेगी और भी कुछ जानने को मिलेगा और साथ में होगा इतना प्यारा आई मेकअप। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मेकअप शुरू करने से पहले हम देखते हैं अपनी ब्राइडल की स्किन। स्किन देख सकते हैं आपके सामने ही है। सबसे पहले क्लींजिंग मिल्क से मैंने फेस को क्लीन कर लिया है। प्रिया की ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं प्रोडक्ट वही यूज़ कर रही हूँ। आप कॉम्बिनेशन स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन पे भी। मैंने बायोटिक का क्लींजिंग मिल्क लिया था जिससे स्किन को क्लीन किया है। और आप अगर आ चाहते हैं आपकी ब्राइडल के बहुत अच्छा ग्लो आई मेकअप में, तो आप किसी भी एक मास्क का यूज़ करिएगा। उससे क्या होगा, स्किन तो हाइड्रेट होगी होगी, मॉइस्चराइजर भी होगी, आपको एक अच्छा सा ग्लो भी मिलेगा और थोड़े से ओपन पोर्स जो होते हैं वो भी आपके बंद हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर पर्पल का चारकोल शीट मास्क यूज़ किया है और इसका रिजल्ट आप साथ के साथ देख ही लेंगे। ये देख सकते हैं चिकेरिया कितना शाइन कर रहा है और जब मैं मसाज करूंगी तो और भी अच्छा लगेगा। जितना सीरम इसके अंदर बचता है आपको लगाने के बाद, उससे अच्छे से मसाज कर लीजिएगा। पैक में काफ़ी एक्स्ट्रा आता है, उससे और अच्छा ग्लो पाएगा। और आपकी ब्राइडल के कहीं ना कहीं हल्दी होती है, आपको डल स्किन लगती है, तो भी बहुत अच्छे होते हैं हमारे शीट मास्क और बहुत कूल रखते हैं हमारी स्किन को। अगर आपके स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है तो वो भी नहीं होता है कुछ भी। उसके बाद अच्छे से फेस को क्लीन कर देंगे। उसके बाद मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर टोनर भी मैं गुड वाइब्स का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद ले रही हूँ मैं सीरम। सीरम मैं ले रही हूँ पर्पल का ही, यह विटामिन ए विटामिन बी सीरम B3 काफ़ी अच्छा है। सीरम बिल्कुल लगाइएगा, चाहे ऑयली स्किन हो चाहे कॉम्बिनेशन स्किन हो। ये क्योंकि ऊपर नहीं रहते हैं, ये हमारे डीप लेयर पे जाते हैं और बहुत अच्छे से हमारी स्किन को हाइड्रेट करते हैं और हमारी फाइन लाइंस को भी कम करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद लगाएंगे हम मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र भी मैं बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, जो कि ऑयली स्किन के लिए या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत ही परफेक्ट है। और जितने भी प्रोडक्ट दूंगी सभी के लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेंगे। आप पूछते हैं कि मैम कौन सा लगाएं क्या लगाएं, तो प्लीज़ एक बार चेक करिएगा, मैं स्किन के अकॉर्डिंग ही बताती हूँ। उसके बाद लिप बाम ले लेंगे। लिप बाम मैं निविया का यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपके थोड़े से भी लिप्स डार्क है तो बाद में एक परफेक्ट लुक आए आपके लिपस्टिक का। और उसके बाद लगा रही हूँ मैं प्राइमर। प्राइमर ले रही हूँ मैं एलेगर्ल का HD प्राइमर। तो यहाँ पर आप नॉर्मल प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, बट अच्छा है ब्रश मेकअप कर रहे हो तो थोड़े से प्रोडक्ट अच्छे यूज़ करो। और इसके बाद ले लेंगे, ये है हमारी क्रायलॉन डर्मा की पैलेट किट। इस तरीके से मैं आईज़ पे कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर D30 यूज़ किया है, जो हमारा ऑरेंज कलर होता है। अगर आप सुप्रा में ले रहे हैं तो हमारा 303 होता है। और डार्क एरिया को हल्के हल्के से कवर कर लूँगी। जितनी भी कलर करेक्शन है हमें पहले ही करनी होती है एयरब्रश मेकअप करने से पहले। और उसके ऊपर आप चाहें तो फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको सभी दिखाती हूँ। आप चाहें तो ब्रश का, आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर का। उसके बाद आईब्रोज नहीं बनी हुई है प्रिया की, आप शेप भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए ले रही हूँ म्यूज़िक फ्लावर का जेल लाइनर। और बैक से शुरू करेंगे हमेशा पॉइंट एरिया से, ताकि आपके ब्रश में अगर ज़्यादा प्रोडक्ट लगाए तो एकदम से आप फ्रंट में लगाते हैं तो हटता नहीं है और आईब्रोज बहुत अजीब लगती है। तो बीच में से ही शुरू करिएगा और तब बाद में फ्रंट की तरफ जाइएगा। और थोड़ी मोटी शेप दूंगी और आप देखेंगे कितने सुंदर परफेक्ट बनी हुई आईब्रोज लगेंगे आपको। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके ब्राइडल की आईब्रोज नहीं बनी हुई हैं और आप फिनिशिंग ना दे पाएँ, तो आप देखेंगे कितने अच्छे लगेंगे। और शेप देख सकते हो मैंने कितनी अच्छी दी है। ब्रश लेंगे और ब्रश की सहायता से इन्हें अच्छे से मर्ज कर देंगे। क्यों करना होता है, कहीं पर आपका जेल लाइनर एक्स्ट्रा रह गया है या अलग से दिखता है तो वो नहीं दिखाई देता इससे। उसके बाद मैं एलेगर्ल का ले रही हूँ क्लासिक आइवरी। इससे एक अच्छी से फिनिशिंग दूंगी, क्योंकि इसकी में ब्रश लगा हुआ है तो मुझे इजी रहता है। मैंने ये यूज़ किया है, लेकिन आप ब्रश से काम करना चाहते हैं तो आप क्रायलॉन डर्मा या सुप्रा में से भी आइवरी शेड उठा सकते हैं और उससे कर सकते हैं। कोई भी फेयर कंसीलर ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एकदम मैट फॉर्म में होते हैं और अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। इस तरीके से शेप बना लिए मैंने आईब्रो के ऊपर नीचे, और फिर पूरी आईज़ पर भी इन्हीं को कर लेंगे। दोनों आईब्रोज़ पर करने के बाद पूरी आईज़ पर भी कर लेंगे, ताकि आईज़ शेडो का कलर उभर के आए और आपकी जितना भी डार्क एरिया होता है वो ना दिखाई दे, और हाइलाइटर आपका जैसे ब्रोबन के नीचे बहुत ज़्यादा उभर के आए, तो ये सारे फायदे होते हैं। तो यहाँ पर ब्राइट शेड का यूज़ करें हमेशा, जैसे मैं कर रही हूँ। दोनों आईब्रोज
आईज़ में अच्छी तरह लगा लेंगे और इस तरीके से अपनी ब्रश की सहायता से या ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से इन्हें अच्छे से सेट करेंगे। देखते हैं सेट करते कितना अच्छा लगता है। हम प्रोडक्ट बेशक ज़रा सा एक्स्ट्रा लगता है आपको आईज़ पर, बट ब्यूटी ब्लेंडर से जब भी सेट करते हैं तो एकदम हमें नेचुरल फिनिशिंग मिलती है। और इस तरीके से कर देंगे तो आईब्रोज देख रहे हो कितनी सुंदर लग रही है। तो यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर मैंने पूना स्टोर का लिया हुआ है और इसकी पूरी वीडियो दी हुई है। एक ही बॉक्स में हमें तीन मिलते हैं तो वो वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। यहाँ पर फिर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ पर्पल का, अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो, लेकिन ज़्यादा अच्छा एयर ब्रश को मेकअप को सेट करने के लिए हमें लूज़ पाउडर की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर क्रायलॉन का डर्मा ले लेंगे। लेकिन आइज़ मेकअप को सेट कर रहे हैं तो आप पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने आइज़ को सेट कर लिया है। उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैं लगा रही हूँ सिल्वर शेड। अपनी रूड कॉस्मेटिक की आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ब्राइडल पैलेट किट है, काफ़ी अच्छी है, आप शेड भी देख सकते हो। मैंने सिल्वर कलर यूज़ किया, मैं गोल्डन यूज़ नहीं करूँगी जबकि मैं आईज़ मेकअप गोल्डन करने वाली हूँ। ये है मेरी रूड कॉस्मेटिक की आई शेडो पैलेट। आप हमेशा पूछते हैं मैम कि कौन सी लें कैसे लें, तो एक ही में आपको मैट भी मिलते हैं, शिमरी भी मिलते हैं और काफ़ी प्यारे शेड भी मिलते हैं। उसके बाद आप आईज़ मेकअप को जल्दी करने के लिए टेप लगा लेंगे। और आप लंबे में लगाना चाहें या ऊपर की तरफ, ये टेप लगाना आप पे डिपेंड करता है। टेप लगाने की कभी भी एक डायरेक्शन नहीं होती है, ये आप सोचेंगे कि आपको आई मेकअप किस टाइप का करना है तो टेप आप उसी तरीके से लगाएंगे। मेरी बहुत सारी वीडियो है जिनमें मैंने टेप को अलग अलग लगा कर आई मेकअप किए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर देख सकते हैं अच्छी अच्छी और भी वीडियो। और सबसे पहले मैंने इनके लहंगे का शेड लिया है मिक्स करके, ब्राउन के साथ थोड़ा सा मैंने मैरून लिया था जिससे कि रेड आ गया, क्योंकि इस पैलेट किट में जो रेड है वो थोड़ा सा डार्क है। और इस तरीके से किया ब्रश अपना, मैं ल्योर सेंस के यूज़ कर रही हूँ और ब्लेंडिंग का ध्यान रखेंगे आईज़ में भी करते हुए कि अच्छे से आपकी आई शेडो ब्लेंड हो जानी चाहिए, यानी ऊपर से जो हम करते हैं कट क्रीज के पास से उसको अच्छे से मिक्स करना है। एक दो वर्ड मैं जल्दी में ऐसे बोल जाती हूँ तो उसको माइंड मत करिएगा, जो मैं समझाना चाहती हूँ प्लीज़ वो समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद फ्रंट में मैंने मैट का रूट कॉस्मेटिक की पैलेट किसमें से ही येलो कलर लिया है। ये शिमरी नहीं है, मैट में है तो देख रहे हो कितना अच्छा दिख रहा है, शिमरी होता तो इतना अच्छा नहीं दिखता। और इस पर जब आप गोल्डन ग्लिटर लगाएंगे तो और भी ज़्यादा उभर के आएगा। और बैक में किया है मैंने हल्का सा ब्लैक कलर पीछे से, और देखते हो ये आप ये भी रखना चाहे काफ़ी अच्छा आएगा। अब ये गोल्डन भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये नहीं करना चाहते, आप ग्लिटर लगाना चाहते हो तो उससे पहले आपको यूज़ करना होता है ग्लू। तो यहाँ पर मैं कुडोज़ का ग्लू लगा रही हूँ, ये है ग्लिटर ग्लू, आपको आसानी से मिल जाता है मार्केट में। उसके ऊपर लगाएंगे आप पाउडर ग्लिटर। मोटे ग्लिटर लेना चाहते हैं तो आपको फेसेस में आसानी से मिल जाते हैं, बट मेरा ये पर्सनल ग्लिटर है, मैं इसका आपको दिखा दूंगी बाद में बॉक्स। आपको यह हर ब्रांड में मिल जाते हैं, चाहे आप कुडोज में लें, चाहे आप स्विस ब्यूटी में लें, या किसी में भी आप लेना चाहे आपको सभी में मिल जाते हैं। और देख सकते हो मैंने इस तरीके से लगाया है, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर आप चाहते सिल्वर लगा सकते हैं, बट सिल्वर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और ये है बॉक्स इसका, ये C2P में भी आपको मिल जाता है, कुडोज़ में मिल जाता है, ब्लू हेवन में मिल जाता है, बट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, आपको ब्रांड के अकॉर्डिंग कॉस्टली पड़ते हैं और सस्ते भी मिलते हैं, बट उतना ही इनका अलग अलग रिजल्ट होता है। जितने सस्ते लेंगे तो थोड़ा कम रिजल्ट होगा, जितने ज़्यादा वैसे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। और उसके बाद लाइनर लगाया मैंने शुगर का, और आईज़ को मैंने लॉन्ग नहीं किया है, मैंने ऊपर की तरफ ही किया है। शुगर का लाइनर मैं लगा रही हूँ, यहाँ पर लिक्विड लगा रही हूँ ताकि हमारी आई लैशेज अच्छे से सेट हो जाए उन पे, जेल लाइनर हम बाद में लगाएंगे। आई मेकअप देख रहे हो कितना सिंपल है और कितना आसान था और दो मिनट में हो भी गया जल्दी जल्दी, तो कोई मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ इन चीज़ों में, सिर्फ फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आईज़ के नीचे डार्क एरिया है, चिक के पास कोई डार्क एरिया है, कोई स्पॉट के निशान है, टैनिंग वाला एरिया आपके जो या पिगमेंटेशन है आप छुपाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं D30 का यूज़ कर रही हूँ, ये भी है डर्मा का। आप चाहे तो एलेगर्ल का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको उसमें ऑरेंज मिल जाता है, मैं आपको लिंक में दे दूँगी। और इस तरीके से देख सकते हो ये दोनों है मेरे हाथ में, आप चाहे तो ये ले लें, आप चाहे तो वो ले लें, ये आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाते हैं, बट क्रायलॉन के मिलने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आप एयरब्रश मेकअप शुरू करने से पहले एक नेचुरल सी फिनिशिंग देंगे अपने फेस पर, जो कि मैं यहाँ पर G165 लगा रही हूँ थोड़ा सा। आप चाहें तो स्किन का टोन मैं क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि इनका येलो अंडरटोन है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चूज़ किया है। आप स्किन देख के हमेशा सिलेक्ट करिएगा कुछ भी, और देख रहे हो इतना लगाया। अगर आपके पास और ज़्यादा होते शेड एयर ब्रश में ही
तो आप डायरेक्ट एयरब्रश भी कर सकते थे इस पर, बट हम जिस तरीके से करते मैं वो बता रही हूँ, आगे आगे आपको और भी ज़्यादा डिटेल में बताती जाऊँगी और कोशिश करूँगी कि सभी कुछ आपको एयरब्रश में दिखाऊँ ए टू जेड। जैसे कि अब हमें यहाँ थोड़ा बहुत हाथ से करना पड़ रहा है क्योंकि एयरब्रश काफ़ी अच्छा है, कोरोना टाइम में हाइजीन रहता है, पूरी तरह से सारा कुछ आप एयरब्रश से कर सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ क्रायलॉन के निबुला, इसमें मेरे पास 6 शेड है, मैंने फेयर टू मीडियम शेड लिया है थोड़ा सा ताकि इनको थोड़ा ब्राइट भी मिले और नेचुरल भी मिले। और 3 ड्रॉप्स मैं इसमें से डाल रही हूँ, 3 उसमें से डाल रही हूँ और मैं कोई इसमें अलग से कुछ मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में ही है। अगर आप थोड़ी लो क्वालिटी के लेते हो उनमें आपको मिक्स करने पड़ेंगे, वो थोड़े थिक मिलेंगे आपको। ये काफ़ी अच्छे हैं, इनमें कोई मिक्स करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे से फिंगर से बंद करके इनको मिक्सिंग करेंगे, बट आप अपनी एयरगन में दोनों शेड मिलाए तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट फेस पे चला दें वो मिक्स नहीं होंगे, पहले आप मिक्सिंग करेंगे अपनी एयरगन में ही, उसके बाद अपने हाथ पे चला के देखेंगे कि कैसे निकल रहा है और उसके बाद आप फेस पर करेंगे। फेस पर करते टाइम 4 उंगल की दूरी बनाए रखिएगा इस तरीके से, और आईज़ मेकअप कर दिया है तो आईज़ मेकअप को आप कवर कर लें और दूर से ही राउंड राउंड में बालों की शेप को देखते हुए आपको गन इस तरीके से चलानी है। और यहाँ पे आप अगर कुडोज़ में ही ले कुडोज़ में भी लेना चाहते हैं तो भी ये मिल जाते हैं, और आप कॉस्मो का भी लेना चाहते हैं तो भी मिल जाते हैं, अवैटा का है वो भी मिल जाते हैं, उनमें मिनी आपको फाउंडेशन मिलते हैं। और सारे शेड लेना चाहते हैं कॉन्ट्यूरिंग के, हाइलाइटर के, लाइनर के, ब्लशर के और डार्क स्किन के, तो सभी शेड हम एक एयरब्रश में मिल जाते हैं आसानी से। ये वीडियो आपने नहीं देखा है कि कौन सा एयरगन यूज़ कर रही हूँ मैं, एयरब्रश यूज़ कर रही हूँ, तो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा और भी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी आपको। और इस तरीके से मैं थोड़ा टाइम लगता है बेस लगाने में, मेकअप जैसे हम फाउंडेशन से जल्दी जल्दी लगा लेते हैं बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और आप देख रहे हैं स्टेंसिल आप वो हटाने के बाद भी, मैंने स्टेंसिल बोला उसको, हटाने के बाद भी आप जो आपका नोज़ का एरिया था, आईज़ के पास का एरिया था वो भी करेंगे और अब अपनी ब्रश को बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। मैंने एयर ब्रश में से प्रोडक्ट निकाल दिया है और सिर्फ हवा फेंक रही हूँ जिससे मेरा मेकअप साथ के साथ सूख जाए। या तो आप इससे नहीं करेंगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा कम से कम 5 to 6 मिनट ताकि मेकअप अच्छे से सूख जाए, वरना आपको फिंगर टचअप करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम आती होगी एयरब्रश में और बहुत होती है, अगर आप इसको सेट करे बिना फिंगर लगाते हैं तो प्रॉब्लम आपको होगी, लेकिन मैंने मेकअप को साथ के साथ सुखा लिया है अपनी एयरब्रश से ही, तो आप बिल्कुल सुखा सकते हैं। और क्लीन करना मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दिया है तो वहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरीके से करना है। और देख रहे हो मैंने फिंगर रखी थी बट निशान नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैंने मेकअप को सुखाया है और अभी सेट भी नहीं किया है। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है आप सुखाते नहीं है तो आपको सेट करना पड़ेगा साथ के साथ, लेकिन फिर भी आपको पैची सा नज़र आएगा। उसके बाद मैंने आई शेडो में आईज़ में नीचे वही आई शेडो लगाई अपनी जो ऊपर आइज़ में लगाई थी रोड कॉस्मेटिक में से, और फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ग्रीन पेंसिल का यूज़ किया है मैंने, ये थी पर्पल की क्योंकि डिफरेंट सा आईज़ मेकअप और सुंदर लगे। उसके बाद जेल लाइनर लगा रही हूँ आज मैं आइज़ में नीचे ताकि थोड़ी सी डार्क लगे आइज़ और अच्छी भी लगे। तो ये सिंपल सिंपल ट्रिक है और आइज़ लुक आप देख सकते हो इतना सिंपल होते कितना अच्छा लग रहा है। और ये देख लो कहीं भी फिंगर नहीं लग रही होगी, अगर आपको लगता है फिंगर लगती हैं तो आप साथ के साथ सेट कर लें, बस जिस तरीके से मैंने बताया वो तरीका कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फिंगर में ये पहना हुआ है पैक का है ये स्पॉन्ज, तो आप ये भी डाल के आसानी से कर सकते हैं मेकअप, तो भी आपके पैच नहीं होंगे फेस पर, बट देख रहे हो कहीं पर कुछ भी नहीं हो रहा है। और फ्रंट में आइज़ के थोड़ा सा गोल्डन शिमर लगा रही हूँ ताकि अच्छा लगे, ये भी अपना जो आइज़ में मैंने ऊपर लगाया वही लगाया। उसके बाद कॉन्ट्यूरिंग करेंगे, ये सब हमें हाथ से करना होता है, लेकिन आपके पास इसका शेड है, मेरे पास शेड नहीं थे वरना मैं आपको एयरगन से ही दिखा देती, लिक्विड शेड नहीं है। हाँ मैं बिल्कुल सारे ले लूँगी, मैंने अभी तक नहीं लिए हैं ये वाले शेड तो ब्लशर के या कॉन्ट्यूर के या हाईलाइटर के, क्योंकि मुझे ये वाले यूज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर आपको बताऊंगी नोज़ कॉन्ट्यूरिंग कर लेंगे, जो लाइन करेंगे फोरहेड पे भी करेंगे ब्रश की सहायता से, और साथ के साथ इसको इस तरीके से अच्छे से फैला देंगे। और फोरहेड देख रहे हैं किस तरीके से कट करते हैं हम, कॉन्ट्यूरिंग से हमारे मेकअप को एक अच्छा सा लुक मिलता है और फेस चेंज हो जाता है बिल्कुल ही। नोज़ बड़ी होती है तो छोटी कर सकते हैं, चीक एरिया थोड़ा बड़ा है तो भी छोटा कर सकते हैं, तो वो एरिया हमारा हम डार्क से कट करते हैं और हाइलाइटिंग एरिया लाइट से करते हैं, तो ये देख सकते हैं कितना चेंज हो गया है। उसके बाद ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर दोनों चीज़ में से एक यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ये ब्रश जिसकी सहायता से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा हमारा, ये ब्लेंड हो जाएगा कॉन्ट्यूरिंग इस तरीके से करेंगे और उसके बाद और ज़्यादा लुक चेंज होता जाता है।
जैसे जैसे मेकअप होता जाता है, लुक चेंज हो जाता है. आप सीखना चाहते हैं या मुझसे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी सीख सकते हैं. बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं मेरी प्लेलिस्ट में, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको. या आप मुझसे क्लास लेना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं. और उसके बाद देख रहे हो फेस कितना चेंज हो जाता है कॉन्ट्यूरिंग करते ही, और ज़्यादा उभर के आएगा. अगर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती है कि आपके आइज़ के नीचे एरिया थोड़ा डार्क लग रहा है एयरब्रश करने के बाद, क्योंकि एयरब्रश हमारी इतनी पास में नहीं जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंसील कर लें. कंसील करने के लिए मैंने वही लिया था अपना, इसकी फाउंडेशन ले ली थी एयरब्रश की, ब्यूटी ब्लेंडर से ही लगाया है, अलग से कोई नहीं लगाया है. तो आप वहाँ पे थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से कर सकते हैं अपनी कंसील एरिया पे. आइज़ के नीचे किया है सिर्फ, कोई फोरहेड वगैरह पे नहीं किया है. आपको दिख रही होंगी आइज़ थोड़ी ब्राइट लग रही है नीचे से, तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर पे ले ली थी थोड़ी सी फाउंडेशन अपनी एयरब्रश फाउंडेशन. सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन होती हैं, काफ़ी पतली होती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं. मैंने ब्लशर किया है प्लाडियो का, बिल्कुल नेचुरल सा, और उसके बाद आइज़ मेकअप को सेट करूँगी मैं पाउडर से. आप पूरे फेस को सेट कर लेंगे. आप मेकअप को सेट करने के लिए मैंने लिया है क्रायलॉन डर्मा का फिक्सिंग पाउडर. फिक्सिंग पाउडर ही यूज़ करिएगा एयरब्रश मेकअप में, नॉर्मल पाउडर बिल्कुल यूज़ मत करिएगा. उसके बाद ले लेंगे अपना ईयर टूल्स और आईलैशेस को थोड़ा फोल्ड कर लेंगे. उसके बाद मैं मस्कारा ले रही हूँ अपना फेसेस का, और इस तरीके से लगा लेंगे. एक बार फेंक आईलैशेस लगाने से पहले मस्कारा ज़रूर लगा लीजिएगा, ताकि आपस में दोनों एकदम सेट हो जाए और अच्छा भी लगे. और यहाँ पर आईब्रोज पे भी कर लूँगी मैं इस तरीके से. हमेशा छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत अच्छी होती हैं, और आपको बिल्कुल समझ भी आ रहा होगा एयरब्रश जिस तरीके से मैंने बताया. उसके बाद मैं यहाँ पर आईलैशेस लगा रही हूँ पीएसी की, काफ़ी अच्छी लगती है और आपको नेचुरल फिनिशिंग भी देती है. इसकी प्राइस थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं, और ये देख सकते हैं लगाते कितना लुक चेंज होता है. और मैं अपने चैनल पर एकदम सिंपल और अच्छे मेकअप बताती हूँ. आईज़ मेकअप तो स्पेशली बहुत ही सिंपल सिंपल है, जिसको ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं. तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरी चैनल को अच्छे से देखिएगा. 700 या 800 के करीब वीडियो हैं. आप पार्लर कोर्स करना चाहते हैं तो भी अच्छे से कर सकते हैं. और उसके बाद दोबारा मैंने दोनों आईज़ पे आईलैशेस लगा लिया है, और फिर से मैं इस टूल्स की सहायता से ही मस्कारा लगाऊंगी. इसके बाद लगा रही हूँ मैं जेल लाइनर. जेल लाइनर मैं पर्पल का ले रही हूँ, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी अच्छा है. आपको इसमें 3 शेड मिल जाते हैं, ब्लू ग्रीन और ब्लैक. तो ये देख सकते हो मैं आइज़ को लॉन्ग नहीं करूँगी, मैं ऊपर की तरफ ही लेके जा रही हूँ. अभी भी मोटा पतला आप पे डिपेंड करता है लाइनर आपको कैसा लगाना है. मैं अपने हिसाब से करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है. और आप मेकअप सीख रहे कर रहे तो ये सब आप सोचेंगे कि आपको किस तरीके से करना है, और आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये भी कर सकते हैं. दोनों आइज़ में ही लगा लेंगे इस तरीके से. और आईब्रोज भी देख रहे हो बिना बनी हुई है फिर भी कितनी फिनिशिंग आ रही है. तो ज़रूरी नहीं है कि बनी हुई आईब्रो पर ही एक अच्छी फिनिशिंग आए. और यहाँ पर अब लगा लेंगे लिप शेड. लिप बाम वगैरह मैंने पहले लगा लिया था, और डार्क लिप्स भी कवर हो जाते हैं हमारे, और शेड भी अच्छा नज़र आता है. क्योंकि कई बार प्रॉब्लम होती है क्लाइंट को ही कि मैं शेड मार्केट से कुछ और लेके आई थी, मेरे लिप्स पे अच्छा नहीं लग रहा है. क्योंकि लिप्स पे अगर आपके थोड़ी भी पिगमेंट रहेगी तो वो शेड आपको नहीं मिलेगा. तो अच्छा है कंसीलर और फाउंडेशन से कवर कर लें अच्छे से. इससे आपके किसी का भी लिप शेड अगर आप यूज़ करते हो तो प्रॉब्लम भी नहीं होती है. यहाँ पर मैंने लिप शेड लगाया है मिलानी का, जो कि बहुत ही प्यारा सा ब्राइडल शेड है. और उसके बाद लगा लूँगी मैं हाइलाइटर. हाइलाइटर मैं अपना फेवरेट लगा रही हूँ फेसेस का, एलिमिनेटर, जो कि मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ. और देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ जाएगा हाइलाइटर लगते ही. एयरब्रश मेकअप बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देता है, काफ़ी पतली लेयर रहती है उसकी, बट नीचे जो हमें कवर करने होते हैं अपने डार्क एरिए और एक उसको, तो वो करना पड़ता है. पर ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास पूरे प्रोडक्ट हैं और आपको अच्छे से आता है, आपकी प्रैक्टिस है, तो भी कर सकते हैं. लेकिन मैं वो धीरे धीरे आपको बताऊँगी. अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो देखते रहिएगा मेरे चैनल को. उसके बाद मेकअप को सेट कर लेंगे. पीएसी का एचडी मेकअप फिक्सर ले रही हूँ मैं, इसी से करेंगे. आप नॉर्मल से करना चाहें तो फेसिस का ले सकते हैं. उसके बाद ज्वेलरी डाल ली है, और उसके बाद लगा रही हूँ मैं बिंदी इस तरीके से. आप ग्रीन बिंदी का यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं. और देख सकते हैं पूरा मेकअप लुक, शाइन और फिनिशिंग जो मैं हमेशा अपने मेकअप में देती हूँ. आप देख सकते हैं एयरब्रश कंप्लीट मेकअप लुक है ये आपके सामने. मैं कोई एडिटिंग नहीं करती हूँ, कोई फिल्टर का यूज़ नहीं करती हूँ, कोई कैमरे का यूज़ नहीं करती हूँ. तो ये है फाइनल लुक. और आप आगे देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार लहंगे के बारे में दिखा देती हूँ. जो लहंगा मेरी डॉटर ने पहना है, ये है वो लहंगा. इसका प्राइस है 18,500 रुपये, जो कि आपको 70% डिस्काउंट पे मिलता है.
सिर्फ 5500 रुपये में। आप इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले भी अपलोड की हुई है, एड्रेस दिया हुआ है, सभी कुछ दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर वगैरह, तो आप वहाँ पर भी जाकर आसानी से देख सकते हैं। उस वीडियो को मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके साथ आपको दुपट्टा सिंगल मिलता है, बट आप सेकेंड लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। मैं अभी हेयर डू करूँगी प्रिया का और आप देखेंगे कितना सिंपल, कितना अच्छा हेयर डू होगा और फुल कम्प्लीट लहंगा आप देख सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। आप कमेंट करते हैं कि मैम व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा अपना, तो मैं सभी कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। अपनी पुरानी वीडियो भी प्लेलिस्ट में है मेरी, तो आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, मेकअप प्रोडक्ट के लिए भी और किसी भी चीज़ के लिए भी। या आप ब्राइडल कराना चाहते हैं, नवंबर में आपकी वेडिंग है तो उसके लिए भी। और ये हेयर डू किया था मैंने, इसका वीडियो भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरे सेकंड चैनल ऑल अबाउट हेयर पर है। उसके बाद मैंने रख दिया दुपट्टा, फुल मेकअप हो जाता है हमारा, हेयर डू हो जाता है। हेयर डू देख सकते हो बिल्कुल सिंपल किया हुआ, और आप मेकअप लुक देख सकते हो, नेक और फेस बिल्कुल एक जैसा ही। ऐसा नहीं कई वीडियो आप देखते हो कि फेस बिल्कुल वाइट होता है, नेक एकदम डार्क होती है, तो बिल्कुल ऐसा ही। आपने HD मेकअप लुक नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। और भी नए नए वीडियो हैं और प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। मेकअप के लिए कॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या क्लासेस लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया और मेरा चैनल का नाम है प्रिया सैनी ऑफिशियल। काफ़ी सारे लोग मुझे फॉलो करते ही हैं, मम्मी के फॉलोवर्स, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत सारे मेकअप वीडियोस, DIYs, डू इट योर सेल्फ फॉर होममेड रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो अगर आप लोगों को मेरा चैनल भी पसंद आया, अगर कोई वीडियोज़ पसंद आती है तो आप लोग उन्हें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और अच्छा।